अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ब्रो। तो कैसे हैं सब लोग? तो आज ईद के दिन है, तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। तो फिर ना 7:30 बजे ईद की नमाज थी, तो मिस हो गई है। मैं देर से उठा हूँ, अब कैंप है 8:30 बजे नमाज। तो फिर जल्दी से तैयार होता है, वही नमाज की मिस ना हो जाए। तो तैयार होने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऐसा हम फिर मैं तैयार होकर आ गई हूँ, कैसा आया हूँ मैं। तो नहा तो नमाज हो चुकी है, 7:30 थी, तो मैं लेट हो गया हूँ। तो मैं ईद का भी नमाज पढ़ने की है, तो वहाँ जाता हूँ नमाज पढ़ने, मैं वो भी मिस ना हो जाए। उसके बाद वक्त आगे मैं आपको मैं कसाई भी दिखूँगा, मैं बेसिक कसाई है। तो जब जाते हैं, मैं ईद की नमाज पढ़ी है, तो काफ़ी लेट हो गया था, मैं घर जा रहा हूँ। तो घर आए से फिर मैं ईद बीतता हूँ आपको, मैं किसाई भी दिखाता हूँ, तो भी रास्ते में ख़त्म हो गया था। तो अब घर पहुँच के फिर मैं अपने मैं खाया आ गया नमाज़ पढ़ के ईद की। तो मैं खाया आया तो ये हमारा एक बकरा ज़िबा हो चुका है, ब्राउन कलर का, इसके ऊपर चेन के साथ बांधा हुआ है। तो मैं अंदर जाता हूँ, हवा भी थोड़ा सा बहता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मैं खाया आ गया हूँ, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी बाहर, खाया आ गया हूँ। और यहाँ देखें सी कोयमा पड़ा हुआ मेरी, ये मैं भी ये खाऊँगा सी कोयमा। तो पंखा चालू यार, गर्मी बहुत है, बता भी तो आपको पता ही कितनी गर्मी होती है। तो जैसे तो ये खाने वाला भी मैं आपको बताऊंगा। एक बकर हमारा जीवा हो चुका है, दूसरा बकर जीवा होगा भी, कैसा भी खाऊंगा, ठीक खा लूँ भी। खा लिया है मैंने, तो बस मजे मीठा मैं नफरी आ रहा था, आप सुकून मिला पंखे के नीचे मैं बैठा हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ गोश्त दवा भी और दूसरा पकड़ा भी है। अभी आपको एक जीना खाया हुआ है, ये किचन में रख दूँ ये, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा बकरा वाइट हो रहा है, काफी प्यारा सा मासूम सा बकरा खड़ा हुआ है। ब्राउन वाला बकरा तो ज़िबा हो चुका है, ये देखिए कैसे देखे कैमरे की तरह, इसकी आंखें देखो और ये इसके सीन देखिए, उसका तो सीन ही नहीं थे, इसका सीन है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा सा है। और ये देखिए अब कैमरे की तरफ देखने लग गया है, तो वो है बकरा तो ज़िबा हो गया, उस सब बन रहा है वो, तो चक्कर कितनी गंदी की भी नहीं। दूसरा बकरा भी ज़िबा हो चुका है, दो कसाई वो छोटा कसाई ना लगा हुआ छोटा कसाई ये लगा हुआ है और दो वो लगे। अब बाहर हम जाए हैं, तो आपको मैं कसाई दिखाता हूँ। तो इस बार में जो बड़े भाई हैं वो भी कसाई बने हैं, तो वो भी वो भी बकरा ज़िबा कर रहे हैं। तो इस जगह में बकरा ज़िबा हो रहा है, छोटा कसाई अब वो खामी कहाँ गए वॉशरूम के ना। ये हमारे दोनों बकरे ज़िबा हो चुके हैं, छोटे कसाई देखिए ये आ गया हमारे बड़े भाई, तो बकरा ज़िबा करने से पहले बकरे को प्यार दे रहे थे। अब मेरा भाई है वो भी कसाई, न्यू कसाई इस साल। बाहर जो गोश्त बनाए हैं उनको देने जाया हूँ, ये चने की चाट, मज़ेदार चने की चाट, तो देते हैं उनको चने की चाट। ये दिए चने की चाय खाने आप और हनी और आप भी खाने फाहे पको उन्हें गया खाने और हनी और फिर फाहे का नाम नहीं दिया। मैं जो एक बकरा वो ज़िबा हो चुका है, उसका ये देखिए ये गोश्त आ चुका है, मैं हाथ से फेपर है गोश्त है, ये देखिए गोश्त आ चुका है। तो दूसरा बकरा अभी भाई ज़िबा आया, वो भी मेरे भाई आए हैं, तो भाई आएंगे देखता हूँ। तो बदन देखे जाए, मैं भी बदन देखे जाता हूँ, कान तो आई और गर्मी भी ऊपर से। बकरा हमारा ज़िबा हो चुका है, इस जगह में बकरा ज़िबा हो रहा था आपने देखा है। तो पानी ये हम जाए पीने में पानी, तो गाय को खोते हैं इसकी चाबी। मैं पहुंच चुका हूँ पानी इस जगह पर, ये सामने लोग पानी भरे हैं, तो हम भी पानी भरते हैं, ये हमारी बोतल पड़ी हुई है, तो चलो उतरते हैं पानी भरने। ये
ये है लास्ट बोतल, ये बोतल हमने खरीदी पानी से। तो अब हम जाए खाए, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो खाए पहुँच के फिर आपने स्टार गाड़ी हो गई स्टार, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं यहाँ आप देख सकते बबरा हो गया, तो खाए जाके हवा में बैठते हैं। रोड देखे सारी खाई खाई है, ईद के दिन पूरी रोड खाई है, कुछ लोग है इस टाइम रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, चॉइस पर नहीं है। ये देखिए सारी दुकानें भी बंद हैं, सब कुछ बंद है, और बादल अच्छे और बादल आ गए हैं, तो मज़ा आ रहा है। तो अब फिर पहुँच के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी, अब दोपहर के सब अब 12 बजे, अभी मैं गाड़ी ड्राइव गया था, पानी फानी ही है ये कहीं भी है, पर गर्मी काफ़ी है, मैं काफ़ी दूर चले गया हूँ। हमें खाया और पंखा बनने में पंखा चलाते हैं, हम बैठते हैं। मैं खाया हूँ चने की चाट, साये अम्मी ने कुछ बनाया, इमली की चटनी, ये मेरी अम्मी ने बनाया चने की चाट, बड़े मज़ेदार होती है ये चने की चाट। इसके बाद मैं खाऊँ करेची और चने की चाट देखते रहते। मेरी अम्मी के हाल पे तो जादू है, जो भी बनाती है मज़ेदार बनते हैं, जो मेरी अम्मी ने बनाया है। और बाकी हमारे सारे जिबा हो चुके हैं, अरे मतलब आप बट कहाँ कहाँ होगी आपको बता रहे हैं, गोश्त मांग रहे थे, नींबू गोश्त दिया, फिर गन बना था बहुत साफ दिया। अभी मैं जाऊँगा ये खाने में, एक बार खा लेने की है, वो भी मैं आपको खाऊँगा, कहाँ मैं जाता हूँ खा लेने की है, अभी मैं खा लेने जाऊँगा गाड़ी पे, तो ये खा लूँ उसके बाद फैन। करेची, ये अम्मी ने करेची बनाई है, ये देखिए करेची मज़ेदार करेची, और बकरी ईद पे करेची ना हो तो भी बकरी ईद का मज़ा है, कोई भी नहीं है, बारह क्यों बजाते कोई मज़ा नहीं। और भाई बादल आ चुके हैं, अच्छी बात है, अब गर्मी है तो फिर दोबारा बारिश होने भूटान में वैसे भी बारिश कम ही होती है, बारिश होती नहीं इतनी नहीं, तो ये खाने में फिर जाऊँगा मैं खा लेने की, तो आपको वो भी दिखाऊँगा किस मदरसे में जाते हैं हम लोग खा लेने की है, तो इसलिए आपको दिखाऊँगा गाड़ी में टाइप गाड़ी रहूँगा, तो ये खा लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। खाते वक्त तो नहीं होने चाहिए, अच्छी वाली है ठीक है। खा मैं कह रही थी ये खा ली है, अब मैं जाना खा देने की है, ये गाई के मैंने खा रख दी है, तो दोबारा खाते हैं खा देने जाना। और तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया, ये देखे बादल आ गए, मैं ईद के दिन बादल बस बारिश हो जाए, बारिश हो ऐसी होती नहीं ना, तो बारिश हो जाए और गेट खोल फिर चलते हैं खा देने। भाई तो सो गए मेरे इसी बोर्ड पर, कैमरा तो भूल गया मैं खा रख लिया गाड़ी के में, अब मैं जा रहा हूँ मदरसे भी खा देने ही है, उस मदरसे नाम है खैर बताइस, उनकी नहीं मैं जाए, तो काफ़ी गर्मी थी काफ़ी थक भी गए, अब अच्छा हुआ बादल आ गए, आपको दिखाता हूँ ये देखिए बादल आए हैं, तो बारिश होती है तो वो भी आपको दिखाऊंगा, नहीं होगी तो अल्लाह की मर्जी, मैं बस थक गया हूँ तो खा दे के छठी से मैं फिर खा जाता हूँ, फिर आराम करता हूँ, तो रेडी हो जाते हैं गाड़ी को, रेडी करते हैं और चलते हैं खा देने ही है, तो खा देने के बाद फिर मैं खा आता हूँ, तो फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ ठीक है। और सामने देखे कचरे की गाड़ी खड़ी हुई है, ये ईद के दिन आ जाते हैं कचरा उठाने ही है, आपको सही जगह आया जानी, तो ठीक है मैं खा जगह पहुँचा वो भी आपको दिखाता हूँ। खाद दे दिए, ये जो सामने पड़े ये जगह है जहाँ मैंने खाद दी है, ये पच्ची भी मिल गई है, अब खा जाते हैं। ये देखे ये है महापुर रोड, हमारे इसी रोड में आगे KFC है, और रोड पूरी सुनसान, चारों तरफ देखो सुनसान है, पता नहीं भूटान के लोग कहाँ चले गए हैं, कोई भी नहीं है रोड के ऊपर, सिर्फ हम ही है जो गाड़ी पे फेरे हैं। और ये आपको एक चीज दिखाऊँ, ये देखे इस जगह पे आपको दर्शाना है धूप है, सामने देखे धूप ही नहीं है, वाह भाई यार मैजिक है भाई, इसे बादल ना काफी ज्यादा है, और ये सामने आपको नजर है KFC, इसी रोड पे KFC है और फिर होटल है यहाँ, तो ये सामने आ गया हाई कोर्ट, और ये KFC भी कुछ चेंज हो गया, ये देखे ये है मुकाम मंदिर, तो आपको देखो ये है मोहम्मद कासिम चौक, और ये हाई कोर्ट, नहीं सीधा जाएगा तो SP चौक आ जाएगा, और हमने सीधा नहीं जाना, हमने अपनी क्यूनी के लिए जाना, तो नहीं है क्यूनी
मैं आपको दिखाता हूँ क्यूनी, ये है क्यूनी, इस क्यूनी के अंदर हमने मुड़ना है। तो ये हम रुके और ये मुड़ गए, तो बस अब घर पहुँचने ही वाला, मैं घर पहुँच के फिर मैं आप लोगों से मिलता। मैं सो गया था थोड़े, इसलिए काम करके मैं बहुत थक चुका था। तो अभी मैंने देखा बारिश हो चुकी है, तो अच्छी बात है, बता में बारिश शुरू हो गई है। मैं ऐसे होती नहीं बारिश, अब ईद पे मजा आएगा, तो आपको भी दिखाता हूँ बता की बारिश आ जाए। तो ये देखे फैन, बारिश हो रही है, जमीन हमारी छत पूरी गीली हो चुकी है, और ये देखे बादल नहा, और उस साइड पे देखे बादल कम है, थोड़े से है। आपको एक और चीज दिखाऊँ, मैंने राइट साइड पे जो है धूप भी दिखी पड़ी है, तो आपको दिखाता हूँ, फोन खराब होते बस। ये देखे फैन, ये देखे धूप भी दिखी हुई है और बादल भी है, ये देखा फैन। तो फैन मजा आया मुझे बारिश से, बादल भी बड़े जोर जोर से कैसे हैं, तो अब आएगा ईद पे मजा। किला भी हो चुका फैन, ये अभी थोड़ी देर बारिश में नहाया था, तो और भी नहाऊंगा बारिश से। तो इसी बारिश के साथ, बारिश के साथ साथ मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ। तो ये ईद आया ब्लॉग आप सबको कैसा लगा है, इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, आप लोग करते नहीं हो, उसके सारे बेल को भी बजाना। तो मिलूंगा सर ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक ये अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।